Welcome to an immersive journey of ClearPass hands-on training with LAB. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इनसाइड सर्वर के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा है कमेंट्स में कुछ मेरे फ्रेंड्स है यूट्यूब फैमिली मेंबर, उन्होंने बोला कि मुझे इनसाइड रिपोर्टिंग टूल्स के ऊपर काम करना है, कि इनसाइड रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो हम उसकी बात करेंगे। इनसाइड के ऊपर हम लोग इनसाइड सर्वर कैसे इनेबल करते हैं, जिसका छोटा सेटअप होता है, जैसे दो सर्वर, तीन सर्वर, टू सब्सक्राइबर, एक पब्लिशर, उसके बीच में हमको क्या होता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, आपके पास अगर यूजर डेटाबेस बड़ा हो, जैसे 50,000 या 60,000 यूजर हो, तो आपको सेपरेटली इनसाइड सर्वर सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा, उसमें इनसाइड इनेबल करना पड़ेगा। बट अगर आपका यूजर डेटाबेस 1,000-500 के अंदर, तो आपको जरूरत है इनेबल कर नया सब्सक्राइबर खड़ा करने की, आप सेम पब्लिशर के ऊपर इनसाइड इनेबल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें, जब भी आप इनसाइड सर्वर बनाते हो, तो इनसाइड सर्वर इनेबल करते हो, तो आपको स्टोरेज साइज थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि उसका डेटाबेस का साइज जो होता है 7 डेज का होता है, और जो रिटेंशन टाइम होता है 3 मंथ, 6 मंथ, एज पर योर डिजाइन। मैं बता दूँ किस तरह होता है, लेकिन हम बात करेंगे ओनली फॉर इनसाइड सर्वर के अंदर हम रिपोर्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। तो ये तो हम लोग चालू करेंगे, उससे पहले आपको सबसे मेरे को मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि थैंक यू वॉचिंग, आप मेरे वीडियो देख रहे हो, उससे मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे मेरे पास ट्रेनिंग चल रहे हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें बहुत से लोग जो आप इंडिया के बाहर के लोग भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू फॉर ऑल यूट्यूब एंड ऑल मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, और जो मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उस सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो डालता हूँ जिससे 70-80% लोग सिर्फ वॉच कर रहे हैं, इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो करे, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो डाल रखूँ जो आपके फायदेमंद हो। मैं तो एक हमारा पेड ट्रेनिंग है, बट उसके पेड छोड़ के भी मैं आपको ट्रेनिंग एक सेपरेट वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपके लिए फायदे के लिए और मेरे फायदे के लिए। तो आप जब भी आप वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन से हमको कुछ जो ऑडियंस का जो मिलता है ना प्यार, वो मिलने वाला है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ये तो मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि 80% पब्लिक सिर्फ वॉच एंड लिव, बट यू शुड बी सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके फाइन। सो हम बात करेंगे आज इनसाइड सर्वर को हम अपने सर्वर पब्लिशर में इनेबल कैसे करते हैं, हम लाइव जाएंगे और बताएंगे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इनेबल करते हैं। पहले आप समझ लेते हैं एक में इसके थ्रू। देखिए, मैंने आपको बताया डिजाइन के अंदर पब्लिशर बताया, दिस इज अ पब्लिशर, ये मेरा है पब्लिशर, ओके, और इसी की पार्ट है मेरा इनसाइड सर्वर। अभी अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने पहले बताया कि 1,000 या 500 से 1,000 के बीच में आपको एज यूजर, तो आपको सेपरेट सब्सक्राइबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप करंट आपका जो पब्लिशर, उसी के ऊपर आप अपना इनसाइड इनेबल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन 50,000 से ज़्यादा यूजर का हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेपरेट सर्वर बनाइए, उसी सर्वर पर मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी लोड बढ़ेगा, उसका लोड बढ़ेगा, डेटाबेस बढ़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि उतना लोड ना बढ़े, सर्वर पे लोड ना आए, इसलिए आप नया सब्सक्राइबर सर्वर बनाइए, सब्सक्राइबर बनाए, उसको इनसाइड इनेबल कर दीजिए, दैट्स इट। बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, तो आप इसी सेम छोटे पब्लिशर के ऊपर इनेबल करके आप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपका स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा लेके चलना, आपका नियर अबाउट अभी स्टैंडर्ड तो 1 TB 2 TB का स्टैंडर्ड स्टोरेज होना ही चाहिए आपका, क्योंकि डेटाबेस का साइज डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, तो 1 TB मिनिमम, उससे आ जाओ 2 TB जाता है और वेल एंड गुड, बट 1 TB मिनिमम होना चाहिए। 1 TB से मन कोई भी आप सब्सक्राइबर को डिप्लॉय मत कीजिए, क्योंकि स्टोरेज का साइज अभी फाइल का साइज बढ़ रहा है डे बाय डे, तो एटलीस्ट मिनिमम 1 TB का आपका स्टोरेज साइज होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि CPPM जो होता है, हम कैसे इनेबल करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट सर हम लोग होता है रिपोर्टिंग टूल, इससे आप मल्टीपल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप एंड पॉइंट रिपोर्ट, यूजर डेटाबेस रिपोर्ट, प्रिविलेज रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, आपके जितने भी तरह के आपके डेटाबेस रिपोर्ट्स है, आप सारे रिपोर्ट्स आप इनसाइड रिपोर्टिंग टूल्स के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फिगर कर सकते हैं और भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट ये भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपको जनरेट रिपोर्ट हो जाएगा, प्रॉपर मेल पे चला जाएगा, ये भी इसमें पॉसिबल है। और एक बात, इनसाइड रिपोर्ट का फायदा ये है कि आपको मैनेजमेंट मांगता है कि मुझे मंथली डेटाबेस चाहिए, आपका डेटा चाहिए, कितना पीसी हेल्दी है, कितना पीसी क्वारंटाइन है, कितने पीसी में ऑनगार्ड एजेंट है, कितने पीसी में एंटीवायरस है, कितने पीसी में कितना एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है, सब लिस्ट आपको इनसाइड रिपोर्ट के थ्रू आपको मिलेगा। आपको कोई मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली इनसाइड रिपोर्ट के इनसाइड के लिए इनसाइड में आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं और आपको मैनेजमेंट को शो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनसाइड रिपोर्ट
क्रिएट करने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी लाइसेंस की जरूरत नहीं, इनसाइड आपको सेपरेट लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। इनबिल्ट फीचर्स है, तो इनबिल्ट फीचर्स का आप यूज कर सकते हो। और रिपोर्टिंग फीचर इतना अच्छा है अपना क्लियर पास के अंदर कि आपको उसमें रिपोर्ट एक्यूरेट आता है, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बस आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिपोर्ट जब क्रिएट करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मिस ना हो, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप रिपोर्ट गलत आता है उसका रीजन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि रीजन गलत क्यों होता है। रिपोर्ट गलत कब आता है, जब आपका कुछ तो भी आपका कॉन्फिगरेशन या आपका डिसाइड में थोड़ा गड़बड़ हुआ हो, तो तभी आपका रिपोर्ट गलत आता हो। तो यही मेरा इनसाइट रिपोर्टिंग टूल्स है जिसमें आप, तो इनसाइट रिपोर्ट में आप मल्टीपल रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये इनबिल्ट फीचर्स आपको बताना चाहता हूँ कि इनबिल्ट फीचर्स से आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा फीचर है, 100% एक्यूरेसी है आपका डेटाबेस में, आपको मैनेजमेंट के लिए शोकेस करने के लिए, आपका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेस्ट टूल्स है। तो चलो हम लोग जाते हैं कंसोल के ऊपर और देखते हैं कैसे हम इनसाइट सर्वर को इनेबल कर सकते हैं। तो मेरा ये सर्वर्स है, इसमें हमारा एक पब्लिशर है, मेरा लैब सेटअप है जिसमें हम लोग देख कर रहे हैं, साइबर हमारा लैब का नाम है। और हम जाते हैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर्स में, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में। मेरे पास एक सर्वर है करके आपको एक डेटाबेस दिख रहा है, अगर आप पास मल्टीपल सर्वर तो मल्टीपल होगा, लेकिन आपको जो इनसाइट सर्वर इनेबल करना है ध्यान रखना सिर्फ इनसाइट सर्वर आपको इनेबल पब्लिशर पे करना है, ना कि आपको सब्सक्राइबर पे। ध्यान रहे जो आपका पब्लिशर है उसी पे आपको इनसाइट सर्वर इनेबल करना है। आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स होंगे लेकिन ध्यान रहे कि आपको सिर्फ इनसाइट सर्वर पब्लिशर पे इनेबल करना, ना कि सब्सक्राइबर पे। अब इसमें लिख रहा है इनेबल परफॉर्म मॉनिटरिंग डिस्प्ले। अभी हमको क्या करना है, इनसाइट सेटसी ये इनेबल करना है। अभी ये हमारा एक ही सर्वर है तो हमको इसको प्राइमरी बनाना पड़ेगा, तो आपको प्राइमरी सर्वर यही होगा, ठीक है। अगर आपके पास डीसी डीआर का सेटअप है तो प्राइमरी डीसी होता है, सेकेंडरी आपका डीआर होता है। अगर आपका डीसी और डीआर का सेटअप हुआ तो ही आपको ऐसा होता है। बाय डिफॉल्ट अगर छोटा सेटअप है तो आपको इनसाइट सर्वर में जो आपका सर्वर है उसी को आपको प्राइमरी बनाना पड़ेगा। अगर आपका बड़ा सेटअप है तो डीसी और डीसी का अलग और डीआर का अलग इनसाइट सर्वर होता है। ओके, तो ये आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद दोनों पर टिक करना है, उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको कोई सर्विस स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, कोई रिबूट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको क्लोज करना है। और आपको क्या करना है, अभी आपको जाना है मेनू में, यहाँ आपको इनसाइट दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं नया टैब पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे नया टैब चाहिए, तो इनसाइट आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी जस्ट हमने इनेबल किया तो इनसाइट लॉगिन हो रहा है, टाइम लेगा। ये हमारा इनसाइट सर्वर बन गया। इनसाइट सर्वर इनबिल्ट फीचर से आपको सिर्फ इनेबल करना पड़ता है पब्लिशर में। ध्यान रहे बहुत से लोग गलत करते हैं, मैंने दो बार बताया कि इनसाइट सर्वर आपका इनबिल्ट फीचर से आपको सिर्फ इनेबल करना है पब्लिशर ना कि सब्सक्राइबर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा ये इनसाइट सर्वर रेडी हो गया, ठीक है। इसमें आपको आना है रिपोर्ट में। अब जब भी आप रिपोर्ट पर क्लिक करते हो इसमें आता है कॉन्फ़िगरेशन, कस्टम रिपोर्ट्स, अलर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो हम लोग आएंगे, चलो एडमिनिस्ट्रेटर में जाते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटर में आपका क्या होता है कि ये आपका ट्रांसफर पोर्ट से छोड़ दीजिए, आपका ये मैंडेटरी है रिपोर्ट रिटेंशन टाइम। आपको कितने दिन तक आपका डेटाबेस देखना, आपका रिपोर्ट 2 महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए, आपकी कंपनी कितने दिन का रिपोर्ट मांगती है वो ध्यान रखिए। लेकिन ज़्यादा जितना आप डेज आप डेटाबेस रखोगे तो आपका स्टोरेज साइज बढ़ेगा। तो ध्यान रहे कि अभी जो भी आप रिपोर्ट रिटेंशन टाइम डिसाइड करते हैं वो आपका एटलीस्ट मिनिमम 30 डेज, इट्स ओके, बट इससे ज़्यादा हो तो आप 1.5 महीना या 2 महीना कर सकते, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि डेटाबेस का जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा आपका स्टोरेज का साइज भी बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हम लोग 30 दिन ही रेफर करते हैं, 30 डेज, क्योंकि 30 दिन का डेटा नॉर्मली कंपनी को लगता है, 30 से ज़्यादा दिन नहीं लगता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 30 दिन हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये ठीक है, 30 डेज मेरा होगा सिलेक्टेड। तो आपका रिपोर्ट रिटेंशन टाइम, डेटाबेस स्टोरेज टाइम आपका 30 डेज तक आप रिपोर्ट ले सकते हैं। 30 डेज तक आपका यहाँ डेटाबेस में आपका डेटा रहेगा। 30 डेज तक आप कोई भी 3-1 महीने का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट में क्या होगा, आपको हमको क्रिएट करना है इंस्टॉल एप्लीकेशन रिपोर्ट, मतलब मुझे क्रिएट करना है इंस्टॉल, आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपको लिखना है मुझे क्रिएट करना है इंस्टॉल एप्लीकेशन, इंस्टॉल। वेट,
अभी मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, इंस्टॉल एप्लीकेशन मतलब मेरे एंड पॉइंट्स है, जितने भी मेरे नंबर ऑफ एंड साइड में 100 200 500 जितने भी नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स है उसका मुझे डेटा चाहिए कि इस पीसी पे कौन सा एप्लीकेशन डाला है, मेरा पूरा डेटा भी चाहिए। वो आप अचीव कर सकते हैं, आपको हर एक पीसी की विजिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ क्लियर पास। आप उस पीसी पे कौन सा एप्लीकेशन, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कौन सा आपके कंपनी को कंपनी वायलेंस करता है, कंप्लायंस मैच नहीं, वो भी आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। इंस्टॉल एप्लीकेशन रिपोर्ट बहुत रिपोर्ट के थ्रू आप सब देख सकते हैं। इसमें आपको सिलेक्ट करना है कैटेगरी, कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है ऑन गार्ड। ओके, ऑन गार्ड क्लिक करने के बाद आपको एंड पॉइंट पोस्चर ओवर यू इस पर सिलेक्ट करना है। ओके, क्या सिलेक्ट करना है, आपको नाम लिखना है पहली बात, सेकंड आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है ऑन गार्ड, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप जो डालना चाहे डाल सकते हैं इसमें आपको। उसके बाद आएगा एंड पॉइंट पोस्चर ओवर यू निकालना है आपको। लैंग्वेज आपको चाहिए जापनीज, कोरियस, चाइनीज आप ले सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश हम जाते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्डली आपको इस पर टिकले रॉ डेटा पे क्लिक करना है। जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं आपको रॉ डेटा पे क्लिक करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इस मेल के ऊपर, अगर आपको ये मेल ये जो रिपोर्ट है डायरेक्ट मेल पे भेजना है तो आप यहाँ रिपोर्ट में यहाँ मेल आप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको SMTP सर्वर कॉन्फिगर करना चाहिए आपके इसके अंदर पब्लिशर में, ठीक है। मेल कॉन्फिगरेशन आपको करना जरूरी है, लेकिन जब भी आप रिपोर्ट क्रिएट करते हैं आपको रॉ डेटा पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है। विदाउट रॉ डेटा आपका डेटा क्रिएट नहीं होगा, CSV फाइल क्रिएट नहीं होगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट यहाँ टिक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेल पे भेजना चाहते तो मेल पे आप यहाँ मेल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपको चाहिए रिपोर्ट डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, डिपेंड। अगर आपको डेली नहीं चाहिए, अगर आपको अभी का रिपोर्ट चाहिए तो आप अभी क्लिक कर दीजिए, आज की तारीख कितनी है 12, टाइम जो है आपका डाल दीजिए जो है एग्जैक्ट टाइम रहेगा। अगर मुझे मॉर्निंग से चाहिए, मॉर्निंग से चाहिए तो मैं एक मुझे मॉर्निंग से रिपोर्ट चाहिए, 1 सेकंड, ठीक है। मैं 10 AM का रिपोर्ट लेता हूँ, तो अभी तक का, अभी तक 12:30 अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो रिपोर्ट टाइमिंग है वो आपका मैं 5:30 तक का रिपोर्ट ले लेता हूँ, या तो हम लोग 6:30 कर लेते हैं कि बाई डिफॉल्ट ऑफिस टाइम 6:30, ठीक है। 6 PM का, 10 AM टू 6 PM तक। अगर आपको सेम डे का नहीं चाहिए, आपको अगर मेरे को चाहिए, मेरे को समझो आपको जनवरी का रिपोर्ट चाहिए 1 जान से लेकर, तो अभी तक वो भी आप कर सकते हैं। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी डेट का चाहिए, कितने टाइम का फ्रेम का चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, आपको सारा डेटाबेस में आएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बोला रो डेटा सिलेक्ट करना है, मेल आईडी डाल सकते हैं। ओके, SMS आपको चाहिए तो SMS के लिए कॉन्फिगर करना जरूरी है, नीचे वाला आपको इसके लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करना है, इसमें कुछ इंटर करने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें एक चीज आती है आपकी, आपको कौन सा इसमें रिपोर्ट में क्या क्या डेटा आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है डिवाइस मैक एड्रेस आएगा, यूजर ऑथेंटिकेशन, लास्ट SPT, उसका लास्ट SPT मतलब उसका हेल्थ स्टेटस आएगा, लास्ट ऑथेंटिकेशन स्टेटस, लास्ट प्रोफाइल जो प्रोफाइल लगा वो, डिवाइस होस्ट नेम, ये आप ले सकते हैं। हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, हम बाय डिफॉल्ट एक सिलेक्ट करते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। एक सेकंड, मैं हमको क्या चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर, हमको चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमको IP एड्रेस चाहिए, होस्ट नेम चाहिए, उसके बाद डिवाइस मैक एड्रेस चाहिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए और उसका IP एड्रेस लगेगा, हमको लास्ट IP एड्रेस चाहिए, लास्ट ऑथेंटिकेट ये ले लीजिए, उसके बाद आपको IP एड्रेस इज मैंडेटरी, मैक एड्रेस और IP एड्रेस आपको सिलेक्ट करना ही है, लास्ट IP एड्रेस चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन, लास्ट इंस्टॉल ऐप इनपुट चाहिए, ठीक है। लास्ट, क्योंकि हम लोग इंस्टॉल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हमको लास्ट इनपुट एंड आउटपुट दोनों का डेटा चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको इंस्टॉल एप्लीकेशन डेटा चाहिए। अब लास्ट नैड IP एड्रेस मतलब आपका जो सपोर्ट जो एंड पॉइंट्स है वो किस स्विच से कनेक्ट है उसका IP एड्रेस आएगा, मतलब हम लास्ट नैड IP एड्रेस मतलब आपका स्विच वो एंड पॉइंट कौन से स्विच पर कनेक्ट है उसका IP एड्रेस आएगा, स्विच का IP आएगा, बट हमको वो नहीं चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी डेटाबेस साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको और क्या चाहिए इसमें, डिवाइस मैक एड्रेस, डिवाइस होस्ट नेम, लास्ट IP एड्रेस, लास्ट इंस्टॉल एप्लीकेशन आउटपुट इनपुट हो गया,
डिवाइस नेम लास्ट ऑथेंटिकेशन, बस इतना ही चाहिए आपको। क्या होगा, डिवाइस होस्ट नेम चाहिए, उसके बाद आपको डिवाइस होस्ट नेम होगा, ठीक है। इतना इसी से ज़्यादा लेंगे तो आपको पैकेट बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। मेरे को डिवाइस होस्ट नेम चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए, लास्ट ऑथेंटिक स्टेटस चाहिए, लास्ट आपको आईपी एड्रेस चाहिए। उसका आईपी एड्रेस मतलब उसका आईपी एड्रेस क्या है, वही इंस्टॉल एप्लीकेशन का पूरा डेटा चाहिए, इंस्टॉल इनपुट आउटपुट पूरा डेटा चाहिए, ये आपको आएगा। मैं इसे आपको क्लियर करके बता रहा हूँ कि मेरे पास ये डेटा निकलेगा नहीं, क्योंकि मेरा ये लैब सेटअप है, आपको आपके एनवायरनमेंट में क्रिएट करना है, आपको रन करना है, आपको डेटा आएगा 100% आएगा, ठीक है। लास्ट एसपीटी आप ले लेंगे तो, एक मिनट, एसपीटी हम लेंगे तो इसमें आपका, वन सेकेंड, एक लास्ट एसपीटी ले लेते हैं हम लोग, जिससे आपका पीसी का हेल्थ स्टेटस आ जाएगा। वन सेकेंड, आपको एजेंट भी चाहिए तो एजेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इंस्टॉल एप्लीकेशन चाहिए तो हम लोग इंस्टॉल एप्लीकेशन बात करेंगे। एक एसपीटी हम ले लेते हैं तो आपका पीसी का करंट पोजीशन क्या है, हेल्दी है या क्वारंटाइन, आपको लास्ट एसपीटी ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, सेव करना है, या आपकी बात सेव करने के बाद आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है, आपका रिपोर्ट क्रिएट होना चालू हो गया, दिख रहा है रिपोर्ट आपको क्लियर। इसमें डेटा नहीं आएगा क्योंकि मेरा ये लैब सेटअप है, आपको बार बार बता, ये लैब सेटअप, इसमें डेटा नहीं आएगा। तो ओके, अब इस पर हम लोग करेंगे क्लिक डबल, उसके बाद आपको यहाँ आएगा डाउनलोड। अब जब डाउनलोड करेंगे तो आपका फाइल इधर आ गया, अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें आता है पीडीएफ, पीडीएफ में आपको सिर्फ इमेज टाइप आएगा, देखिए पीडीएफ खोल के दिखा दो, इस तरह पूरा ये ऐसा आएगा आपको डेटा, ठीक है। ग्राफ पीडीएफ में आपका ग्राफ वाइज आता है, लेकिन आपको एक्सेल में आपका पूरा डेटा है इसमें आएगा, प्रॉपर कॉलम एंड रोज में पूरा रोज आएगा। मेरे पास एक ही पीसी कनेक्टेड है इसलिए मेरा एक ही डेटा आया, लेकिन आप नंबर ऑफ पीसी रहेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स आएगा। और मेरा पीसी अभी ऑफलाइन है, मैं जस्ट लैब आपको करके दिखाया, ठीक है। अभी पीसी हेल्दी है, इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ आएगा, कितना इंस्टॉल एप्लीकेशन है इधर आएगा आपका पूरा डेटा। ये टाइम आ गया, ये आईपी एड्रेस आ गया, ये मैक एड्रेस आ गया सिस्टम का, ये सिस्टम का मैक एड्रेस, इस सिस्टम का आईपी एड्रेस आ गया, ये होस्ट नेम आ गया सिस्टम का, ठीक है। और यहाँ आपका पूरा होम इंस्टॉल, कितना एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा, और पीसी हेल्दी है क्वारंटाइन ये आपको यहाँ देखने मिल रहा है। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट आएगा प्लस टाइम के साथ आएगा, ओके। तो इस तरह से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाया है, ऐसा आप अपने अंदर आप अपने इनसाइट पे रिपोर्ट क्रिएट करके देखिए, डेटा एक्यूरेसी आता है। और एक रिपोर्ट आपको मैं क्रिएट करके दिखा दूँ, एक हम रिपोर्ट क्रिएट करते, हम लोग अभी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे यूएसबी, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में यूज़ नहीं, यूएसबी से पीसी कितना, यूएसबी से कितना पीसी क्वारंटाइन है हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे यूएसबी रिपोर्ट, यूएसबी रिपोर्ट ही हम मंथली करते हैं, ठीक है। मंथली में हम कितना पीसी क्वारंटाइन हुआ हमारा, इसकी वजह से यूएसबी की वजह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद आपको इसमें भी क्या क्लिक करना है, ऑन गार्ड सिलेक्ट करना है, एंड पॉइंट पोस्चर और यू सिलेक्ट करना है, इंग्लिश रहेगा, ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना कंपलसरी है। सेकंड थिंग, आपको इस मैनुअली आपको डेली वीकली मंथली कर सकते हैं, पर हमको अभी का चाहिए, एक महीने का पहले का कॉपी चाहिए, तो फर्स्ट जैन का मैं सिलेक्ट करूँगा, टिल नाउ अभी तक, तो मैं सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए आपको कौन सा रो क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको मेन सिलेक्ट करना है, यहाँ आपको डिवाइस मैक एड्रेस आना चाहिए वो है, उसके बाद आपको आ गया डिवाइस होस्ट नेम आना चाहिए वो भी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट यूएसबी डिवाइस इनपुट आउटपुट आना चाहिए, लास्ट यूएसबी डिवाइस इनपुट आउटपुट आया क्या, आई थिंक वो नहीं आया, हमको उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आया लास्ट आईपी एड्रेस आया क्या, लास्ट आईपी एड्रेस देखो उसमें लास्ट आईपी एड्रेस भी नहीं आया, मतलब एसपीटी जरूरत नहीं हमको, ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं। अभी हमको क्या चाहिए, उसमें डिवाइस मैक एड्रेस आ गया, अभी होस्ट नेम आ गया, हमको आईपी एड्रेस चाहिए उसका, पीसी का मैक आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस, ओके, लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस सिलेक्ट करते हैं हम लोग, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो लास्ट आईपी एड्रेस, लास्ट आईपी एड्रेस नॉट आईपी एड्रेस, ठीक है, हम नीचे जाते हैं, ये लिए इनपुट आउटपुट, ठीक है, यूएसबी के लिए हमको सिलेक्ट करना दोनों। अभी हमको आईपी एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा,
एसपीटी बोले तो इसमें आपका हेल्दी स्टेटस पता चलेगा, सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद आपको आएगा, हमको आईपी एड्रेस भी चाहिए मैक एड्रेस के साथ साथ, तो वो हमको सेलेक्ट करना है। तो मुझे लास्ट आईपी एड्रेस बस, मुझे क्या चाहिए, उस पीसी का मैक एड्रेस चाहिए, उस पीसी का होस्ट नेम चाहिए, और पीसी के अंदर यूएसबी लगा हुआ था कि नहीं था उसका डिटेल चाहिए, और पीसी का लास्ट हेल्दी स्टेटस चाहिए कि पीसी उस टाइम हेल्दी था या क्वारंटाइन था, और उसका आईपी एड्रेस चाहिए, बस इतना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेव। सेव करने के बाद आपको क्लिक करना है रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आएगा रिपोर्ट क्रिएटेड। ये मेरा लैब है, आपको पहले बताया, तो डेटा नहीं आएगा, आपको इसी सेम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये यूएसबी में आपको आएगा, ग्राफ फॉर्मेट में आएगा यूएसबी का, पीडीएफ फॉर्मेट, ओके। और ये आपका आएगा एक्यूरेट डेटा एक्सेल शीट में, ठीक है। ये आपका आ गया डेटा, मेरे पास लैब सेटअप है इसलिए आपको पूरा डेटा नहीं मिलेगा, बट आपके एनवायरनमेंट में आपको पूरा डेटा मिलेगा, उसका आईपी एड्रेस मिलेगा, उसका हेल्थ स्टेटस मिलेगा, यूएसबी भी मिलेगा, यूएसबी प्रेजेंट है कि वो सब मिलेगा, तो ये सब जितने दिखेगा आपको। तो इस तरह से आप अपना, ठीक है, इस तरह से आप अपना इनसाइट रिपोर्टिंग टूल्स यूज करके आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे को क्वेरी आया था, किसी मेरे यूट्यूब फ्रेंड ने, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स ने मुझे बोला कि सर मुझे रिपोर्ट के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं जस्ट ये पर्सनल वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स है जिसको रिपोर्टिंग के अंदर या रिपोर्ट आपको बनाना है, उसके लिए आप रिपोर्ट ये इनसाइट टूल यूज करके आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। फ्री टूल्स है, आप इनसाइट यूज कीजिए। रिपोर्ट एक्यूरेसी आदि मैनेजमेंट के लिए, ऑडिट रिपोर्ट के लिए, मंथली रिपोर्ट के लिए आप यूज कीजिए। इसमें रिपोर्ट 100% डेटा क्लियर आता है, एक्यूरेसी है इसमें। और एक चीज, अलर्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो वो मैं दूसरे पे टॉपिक में क्लिक करूंगा। आपको सिर्फ बताना मेरा ये था कि इसमें आप मल्टीपल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आप सभी मेरे फैमिली, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स है, आपको सबका मेरा, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, और आप हमारे से ऐसे जुड़ते रहे। मैं और भी ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आऊँगा। हम लोग अभी साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, तो भी हमारे लेक्चर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आएंगे। हमारा क्लियर पास तो एक हमारा कोर है, उसके पीछे पीछे हमारे साइबर सिक्योरिटी टीम है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आपको साइबर सिक्योरिटी के भी आपको फ्री में लेक्चर मिलेंगे। चलो, थैंक यू बॉय।